पट्टी। अब अगर आप 20,000 लीटर माफ कीजिएगा इससे ज्यादा का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये दरें उसमें लागू हो जाएंगी, यानी 10% की बढ़ोतरी अब हुई है पानी की दरों में। तो दिल्ली की बात हम यहां कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की दरों में जल बोर्ड ने 10% की बढ़ोतरी की है। अब 20,000 लीटर फ्री इस्तेमाल आप करेंगे, उसके बाद अगर इससे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो ये लागू हो जाएंगी दरें, यानी 10% फिर आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। तो पानी महंगा हो गया है, यहां पर सवाल अब आम आदमी पार्टी से उठने लगेंगे। हालांकि 20,000 की बात उन्होंने की थी, 20,000 लीटर फ्री पानी जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसे 10% बढ़ जाने से ज्यादा दिक्कत नजर आती दिख रही। अतुल सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, दिल्ली की अगर बात करें, सस्ते की बात हुई थी, सब सस्ता हो जाएगा, लेकिन पानी महंगा हो गया। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो छोटे उपभोक्ता हैं उनको 700 लीटर प्रतिदिन 20,000 लीटर पर मंथ के हिसाब से मुफ्त पानी देने की बात जरूर कही है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आज जो बैठक हुई जल बोर्ड की उसमें फैसला किया गया कि जो इससे थोड़ा सा भी ज्यादा पानी खर्च करेगा, 20,000 एक लीटर जिसका पानी हो जाएगा उसके बिलों में 10% का बढ़ोतरी कर दी जाएगी। या आप इसको ये कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता अभी बिल दे रहे हैं उसमें 10% बढ़ जाएगा। गरीब उपभोक्ताओं की जो मुफ्त देने की बात थी पानी, उसका बोझ मध्यम वर्ग पर, उच्च वर्ग के लोगों पर डाला गया है। अतुल, ये जो फैसला आया है इसको किस नजर से देखना चाहिए? क्या इससे जो पानी की खपत है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है कि पैसे 10% ज्यादा बढ़ा दो तो लोग कम पानी खर्च करेंगे? देखिए, सरकार का तो यही कहना है कि लोग इसको समझदारी से पैसे को, पानी को खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे, जिससे कि उसको ज्यादा बिल ना देना पड़े। लेकिन अगर बात करी जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का ये आरोप है कि जो बैठक में चर्चा हुई उसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, जो जल बोर्ड के अध्यक्ष भी है, ये कहा कि 2,000 करोड़ रुपए का सालाना घाटा है दिल्ली जल बोर्ड को, और उस घाटे को पूरा करने के लिए 10% दामों में इजाफा करना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि जब घाटा था तो क्यों मुफ्त में पानी देने की बात की गई, 225 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। अब अगर आपने सब्सिडी दी है तो पानी की जो लीकेज है, पानी की जो चोरी है उसको रोका जाए, पानी का जो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। बिल्कुल अतुल, और यहाँ पर विपक्षी भी ये आरोप लगाते रहे, खासतौर पर कांग्रेस ये कहती रही है कि जो चीज होनी चाहिए वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, बजट पे नजर उनकी नहीं है, केवल ऐलान पे ऐलान वो किए जा रहे हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बुनियादी चीजों को देखना और समझना भी जरूरी था, शायद वही समझ यहां पर नहीं दिखी अरविंद केजरीवाल की। हालांकि अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 20,000 लीटर से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10% ज्यादा पैसे आपको फिर देने होंगे, महंगा हो गया पानी। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, गुजरात के उत्तरी इलाके में भूकंप के झटके आए हैं। पालन